बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, हाल अहवाल कुछ यूँ है कि गर्मियों का मौसम है और मज़े मज़े के फल जो है वो मार्केट में आए हुए हैं, जिसमें जामुन और आम सरे फहरिस्त हैं और तकरीबन सबसे ज़्यादा यही खाए जा रहे हैं। इस वक्त भी दोपहर का वक्त था और हस्बैंड ये फल और सब्जियां वगैरह लेकर आए थे, उन्हें मैं सेट कर रही थी। जामुन जो है वो धोकर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे और अब मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने सोचा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जो मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। और बनाने के बाद मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। जी, मैं आज बनाने जा रही हूँ धुआं दही गोश्त और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इतनी सिंपल रेसिपी और इतनी मज़ेदार, तो क्यों ना बनाई जाए। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर जी मटन, और मटन में मैं डालूंगी सिंपल मसाले जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है। ज़ीरा भी डाला है मैंने थोड़ा सा, अगर आपके पास पाउडर डाल दें। साथ ही इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज डाली है, इसके अलावा मैंने टमाटर डाले हैं। और टमाटर डालने के बाद 1 से 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। पानी के साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला है मैंने। और अब मैं इसे रख दूंगी मीडियम आंच पे पकने के लिए। 1 से 1.5 घंटा ये पकेगा और फिर उसके बाद ये गल जाएगा। सब चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसे रख रही हूँ चूल्हे पर मीडियम आँच पर, और ये जब पक जाएगा तो इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें जी, सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और अब मैंने इसे रख दूँगी चूल्हे पर। ये मैंने रख दिया है मीडियम आंच पे, ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकेगा और इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा तो ये गल भी जाएगा। बस अब मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है, इसमें उबाल आ गया है और अब मैं इसे ढक्कन ढक दूँगी और ये अब मीडियम आँच पर 1 से 1.5 घंटा पकेगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये गल भी जाएगा। ये देखें जी, अब मैंने इसे रख दिया है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसे चेक किया तो ये देखें जी, पानी इसका ड्राई हो चुका है और तार भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसे चेक करने जा रही हूँ कि इसका गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है या नहीं। ये देखें गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। और अब ये देखें जी, मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी, तार सारा ऊपर आ गया है। अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। ये देखें जी, मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है और अब मैंने इसे एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब इसका सेकंड स्टेप शुरू होगा और ये स्टेप इसको बनाएगा धुआं दही गोश्त। तो गोश्त के ऊपर मैंने सबसे पहले दही बिछाया, इसके बाद मैंने लच्छेदार प्याज काटी थी वो बिछाई, इसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्च भी इसके ऊपर स्प्रिंकल की और गार्निश की, और उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर रखा कोयला जो मैंने अच्छी तरीके से दहका लिया था। कोयले को रखने के बाद अब मैं इसमें कोयले का स्मोक दे दूंगी। इसकी खुशबू से खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का एक टेस्ट आएगा। तो बस ये देखें जी, अब मैं इसमें कोयले का स्मोक दे रही हूँ। थोड़ी देर ये रखूँगी मैं इसको ऐसे ही ढक के, और फिर ये जी मेरा धुआं दही गोश्त बिल्कुल रेडी है। धुआं दही गोश्त रेडी करने के बाद दोस्तों, मैंने चाय वगैरह बना ली थी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी। चाय के साथ मैंने इनके फेवरेट काले चने बना लिए थे। और इसके बाद जी हम निकल खड़े हुए अपने देवर के घर, और वो इसलिए जा रहे थे कि आज देवर के बेटे का जी रिज़ल्ट आया था और वो बहुत अच्छे नंबरों से जी पास हो गए थे और बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट आया था, तो हम उन्हें मुबारकबाद देने जा रहे थे। साथ ही हमने रास्ते से मिठाई ले ली थी, हार भी ले लिए थे, और हस्बैंड ने एक एनवलप भी ले लिया था, लिफाफा, जिसमें वो उन्हें कैश प्राइज देने वाले थे। तो बस ये सब लेके हम जा रहे थे अपने देवर के घर, और थोड़ी देर में मैं जी देवर के घर पहुंच गई थी। हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए वो, और हार पहनाए हमने उन्हें, मिठाई खिलाई। दोस्तों, इस तरह करने से बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा होता है और मज़ीद आगे बढ़ने का, और जब उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है उनकी एफ़र्ट्स पे, उनकी कामयाबी पर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मज़ीद पुरजोश होकर मेहनत करते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर बच्चे को इसी तरह कामयाबी से हमकिनार करे और उसे उसकी मेहनत का सिला दे और वो इसी तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, आमीन। बस इसी तरह मिठाई खिलाने का सिलसिला चला और मैंने भी मिठाई खिलाई। बस इसके बाद हम थोड़ी देर बैठे और उनको वो दे दिया था एनवलप, इसके बाद चाय सर्व कर दी थी तो हम चाय पीने लगे। मज़े मज़े की चीज़ें थी दोस्तों, रशियन सैलेड था, कचौरियाँ थीं, बहुत मज़ा आया। काफ़ी देर बैठे फिर उसके बाद हम घर आ गए थे अपने।
घर आने के बाद दोस्तों नमाज वगैरह पढ़ी थी हमने ईशा की, उसके बाद मैंने ये खाना सर्व किया था। तो आज जो मैंने धुआं दही गोश्त बनाया था उसका मैं आपको फीडबैक दूंगी। हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा ये डिफरेंट भी था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। ये डिश मैंने पहली दफ़ा बनाई थी लेकिन हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।